Thank you.
थोड़ा मुझे हेजिटेशन सा हो रहा है क्योंकि अच्छे से बहुत फिर के सामने बैठते हैं सब क्योंकि बचपन से ही आप जो है मेरे एक प्रकार से आदर्श पुलिस प्रश्न ने ऐसा देखा है जब देखता हूँ तो मुझे हेजिटेशन मुझे डायरेक्ट में बोल नहीं पाता एक आप जब होते हैं उपस्थित दूसरा मैं बनारस में होते थे एस रंबोची जी मैं उनके सामने जो है अपने विचारों को ओपन होकर के पूर्ण रूप से प्रकट करने में झिझक जैसा आती वही थोड़ा आज असुविधा रियल फील हो रही है क्या मुझे बोलना है तो आप बोलना तो पड़ेगा मैं ये हार सकूँ तो जहाँ तक इनिशिएशन से पहले मैं समझता हूँ थोड़ा बुद्धिज़्म क्या है बुद्धिज़्म के अनुसार जब हम व्यक्ति कहते हैं तो व्यक्ति क्या है सुख चाहने वाला व्यक्ति कौन है व्यक्तित्व क्या है इसको जानना जरूरी है क्योंकि जहाँ हम देखते हैं संसार में चाहे खेत खलिहान में काम करते हो लोग या बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करते हो या ऑफिसों में काम करते हो या जहाँ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लोग जो काम करते होते हैं सुख और शांति के लिए ही काम करते रहते हैं लेकिन जो हमारी बढ़तर है डे टू डे लाइफ में जो हमारी बढ़तर वो किसके लिए कुछ अचीव करने क्या अचीव करने के लिए सुख और शांति की प्राप्ति करने के लिए हम जो है व्यस्त लगे तो जब हम सुख और शांति के लिए ऐसे संगठित हैं तो हमको ये जानना होगा कि सुख क्या है दुख क्या है आखिरकार जिसके पीछे हम बाल रहे हैं दौड़ रहे हैं इस दृष्टि से जब देखा जाए सुख बुद्धिज्म के अनुसार जो व्यक्ति जो है जड़ और चेतन दो चीज़ों से बना है एक तो बायोलॉजिकल है वो है जड़ है हम जिसे फिजिकल कह सकते हैं दूसरा फिर माइंड भी तो है चेतना भी तो है व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है जड़ और चेतन दो चीज़ों से बना है मात्र जड़ मात्र नहीं है जैसे कि डार्विन है ना एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार जो है जो कुछ है सिर्फ फिजिकल बायोलॉजिकल सब चीज है उसके अतिरिक्त जो है चित नाम का जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ चित जो है नहीं ऐसा नहीं बुद्धिज्म क्या मानती है जड़ और चेतन का संबंध जब हम सुख की बात करते हैं तो फिर शारीरिक सुख होगा और फिर वही मानसिक सुख होगा
शारीरिक दुख होगा और मानसिक दुख होगा, दोनों होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर के सुख के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, बिना रोटी कपड़ा मकान के जो हम सुख से रह नहीं सकते, और फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है रोटी कपड़ा मकान मस्ट, उसके बगैर जो है हमारा जीवन कभी भी सुख में नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान है, धन संपत्ति भौतिक गुणों से परफेक्ट है, पूर्ण है, क्या वो व्यक्ति शांत है या सुखी है? इस चीज़ को हमको जो है गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। हमें इसको लेकर के बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, अपने व्यक्तिगत रूप में अंतर्मुखी होकर के यदि आप जानकर आप देखेंगे, आज से 40 वर्ष पहले हो सकता है आपके पास 1000 रुपये नहीं रहा होगा, आज के दिन आपके पास लाखों रुपये होगा, तो उसकी तुलना कीजिएगा। बचपन में जब आपके पास 1000 रुपये नहीं था तो क्या समस्याएं क्या थी, और आज हमारे आपके पास लाख रुपए हैं, समस्याएं क्या, क्या शारीरिक तौर पर जब आपके पास 1000 रुपये हुआ करता था, क्या आप शारीरिक दृष्टि से पीड़ित थे, परेशान थे, दुखी थे? शारीरिक रूप से क्या दुखी थे या नहीं थे? जो फिजिकल रिक्वायरमेंट जो रोटी कपड़ा मकान होती है वह 1000 रुपये आपके पास था, तो उस समय शारीरिक रूप से आप जो है परेशान थे, दुखी थे या नहीं? और फिर आज आपके पास लाख या करोड़ रुपए है, तो फिर शारीरिक रूप से जो है आप सुखी हैं या दुख, उसको आप कंपैरिजन कीजिए। तो शारीरिक सुख के संबंध में मैं कह रहा हूँ कितना अंतर आया था, लगता है उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना? क्यों ये मैं कह सकता हूँ, आज हम जो है शारीरिक दृष्टि से हम सब सुख हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए हम इस हॉल में आए हैं। यदि हम शारीरिक दृष्टि से आज अस्वस्थ होते या पीड़ित होते या परेशान होते तो यहाँ नहीं होते, है ना? यहाँ नहीं रहते, या तो हॉस्पिटल में होते या तो बेड में आराम किए होते, यहाँ है। इसका अर्थ है शारीरिक रूप से जो है आप स्वस्थ हैं। अच्छा, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या फिर आप सुखी हैं? आप अपने से संतुष्ट हैं? या फिर मैं यही कहूँगा, यदि आप जो है मानसिक रूप से सुख का अनुभव करते होंगे, आनंदी होते या सुखी होते, शायद जो है सोलन से ड्राइव करके यहाँ नहीं आए होते, क्योंकि आपके अंदर कुछ कामना है, इच्छाएं हैं, कुछ आशा है जो अचीव करने चाहते हैं, कुछ प्राप्त करने चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कुछ, लेकिन कुछ आपके अंदर कमी है, डिफिशेंसी है, उसको फुलफिल करने चाहते हैं, उसको भरने चाहते हैं, उस अधूरे को भरने चाहते हैं। इसका मतलब कि मानसिक स्तर पर आप जब देखेंगे तो लगता है पूर्ण आप अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है, अभी किसी खोज में है। तो ये स्पष्ट हो जाती है कि शारीरिक रिक्वायरमेंट और मानसिक रिक्वायरमेंट जो दो चीज़ें अलग है, इसको जो है हमको जो क्लियर कट समझना चाहिए, समझना होगा। तो वही जो मैंने एग्जांपल पहले दिया था, जब आपके पास 1000 रुपये था शायद मानसिक रूप से सुख उतना ही थे, और जब आपके पास लाख रुपये भी है मानसिक रूप से अगर मैं तुलना करूँगा तो 1000 रुपये था तब भी जो है कुछ कमी या अभाव महसूस हो रही थी उस समय रहा होगा, और आज आपके पास जब लाख रुपये है तब भी जो है आपके अंदर जो है मानसिक रूप से जो है कुछ कमी का अनुभव या कमी खल रही होगी। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है मन, क्योंकि जब हम बचपन में भी थे, जब हमारे पास 1000 रुपये भी था, उस समय भी हम जो मानसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी उसको हम फुलफिल नहीं कर सके, और आज जब हमारे पास करोड़ रुपये है उस समय भी हमारी मानसिक सोच है ना, तो वो यथावत है, इसलिए जो हम परेशान हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से अंतर्मुखी होकर के अपने लाइफ के बारे में जब मैं एनालिसिस करता हूँ या विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो ये मैं पाता हूँ। तो इसलिए तो बुद्धिज्म क्या कहती है, शरीर को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार चित्त के लिए भी, चित्त का भी रिक्वायरमेंट शील समाधि और प्रज्ञा। जब तक हम इसको पैरेलल रोटी कपड़ा मकान और शील समाधि प्रज्ञा को एक साथ पैरेलल रूप से हम विकास नहीं करेंगे, जेन्युइन वास्तविक हम शांति और वास्तविक सुख की कामना हम नहीं कर सकते हैं। इसको जो है
गंभीर पूर्वक हम लोगों को सोचना होगा क्या ये वास्तविकता है या नहीं है, इस पर हमको जो है विचार करना होगा। यदि आप ये पाएंगे कि हाँ निश्चित रूप से जो है जो मानसिक रिक्वायरमेंट है, जो मानसिक रिक्वायरमेंट है वो जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट से भिन्न है, अलग है, जब ये आपको ज्ञान हो जाएगी तो हम आप प्रयास करना शुरू करेंगे, है ना। जिस प्रकार देखिए मानसिक ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, ज़रूरी होती है, इसकी सफाई करना भी ज़रूरी होता है। जिस प्रकार हम शरीर को ना डेली साफ करना पड़ता है, सुबह हम नहाते हैं, धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, सफाई करते हैं ना, नहीं तो फिर शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगा, शरीर का नेचर ही कुछ ऐसा है। तो डेली हम जो है अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कितना समय देते हैं, कितना जो है इस पर खर्चा करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए हम बहुत ध्यान देते हैं, क्या उसी प्रकार मानसिक सफाई के लिए, है ना। हम राग से, द्वेष से, मोह से, ईर्ष्या से हम पीड़ित हैं, क्या हम ध्यान देते हैं क्या उसकी सफाई का, है ना। मानसिक हाइजीन, ये सोलिनस बार बार आजकल बोलते हैं, जहाँ कहीं भी स्टेज पर जाते हैं या तो यही कहते हैं। जिस प्रकार शरीर की स्वच्छता की आवश्यकता है, उसी प्रकार मानसिक सफाई की भी सख्त आवश्यकता है। जब शरीर और मन में मैं जब तुलना करता हूँ कौन सा डोमिनेट फैक्टर है, तो मैं देखता हूँ कि माइंड जो है फिजिकल पर डोमिनेट करती है। अगर मानसिक धरातल पर आप अपने में संतुष्ट हैं, क्वाइट हैं, काम हैं, तो मैं सोचता हूँ फिजिकल डिफिकल्टीज आने पर भी, शारीरिक परेशानियाँ आने पर भी आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। वहीं पर जब मानसिक आप संतुलन या मानसिक विकृतियों से प्रेरित होकर के परेशान होते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास जो भी हो, है ना, आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ों में भी हो, आपका भवन जो है बहुत सुंदर भी हो, है ना, आंगन से सजा हुआ भी हो, अगर आपका मन विचलित हुआ हो, मानसिक परेशानी आपको प्रभावित किया हो, तो वो फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जो वो आपको जो है सहयोग नहीं कर सकती है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो मानसिक, मैं समझता हूँ व्यक्ति को सुख और शांति से जीने के लिए जो है शारीरिक आवश्यकताओं की अपेक्षा जो मानसिक आवश्यकता पर जोर देना महत्वपूर्ण ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। यदि व्यक्ति को समाज में कुछ करना हो, फिर भी मैं समझता हूँ जिस प्रकार आपको शारीरिक, आपको एक सपोर्ट पर्सन मेरे बनना हो, है ना, तो शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, शरीर स्वच्छ हो तो आप शारीरिक रूप से आप महान कार्य कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन या जो भी हो अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर आपका शरीर जो है ढीला डाला हो, अस्वस्थ हो, तो आप शारीरिक अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार ये अगर आप समाज में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र या जो भी मानसिक क्षेत्र पर आप डेवलप होने चाहते हैं, विकसित होने चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ जब तक हमारे मन को, मन में जो है मन को विकृतियों से, राग द्वेष मार आदि दोषों से जब तक आप निवृत्त नहीं, मुक्त नहीं होंगे, आप जेन्युइन महत्वपूर्ण काम भी आप नहीं कर सकते। एजुकेशन कई लोग, अगर आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, विक्षिप्त होते रहता है, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, तो उसमें आप जो है आगे बढ़ नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि अस्वस्थ शरीर, है ना, कुछ शारीरिक अचीवमेंट पाने में असमर्थ होती है, ठीक उसी प्रकार भी हमारा चित्त भी राग द्वेष आदि विकृतियों से ग्रसित है, तो बहुत ज़्यादा हम जो है बड़ा महान काम जो है करने में अक्षम होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। मेरा पुनः पुनः एम्फसिस यही है कि शरीर और मन दो चीज़ें हैं, तो हम लोग शरीर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, शरीर पर तो बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, ठंड लगे तो तुरंत हम जो है गर्म कपड़ा खोजते हैं, है ना, तो गर्मी लगती है तो एसी हो या पंखा हो तो छोड़ करके फिर गर्मी से जो है मुक्त होने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब हमको भूख लगता है तो हम भोजन की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम जो है अपने प्यास को बुझाने के लिए जो प्रयास करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि आप ठंड से, भूख से आप पीड़ित हैं,
खुद से मुक्त होने चाहते हैं, तो परेशानी तो भूख और प्यास से भी हो रही है, ठीक उसी प्रकार परेशानी तो हमें ईर्ष्या से भी हो रही है। जब हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है तो हमें सोकर नींद नहीं आता है ना। जब हम राग से पीड़ित होते हैं, जब हम क्रोध से पीड़ित होते हैं, तो उस समय हमको कुछ भी आप भोजन सजा के दें तो भी हमको जो है पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है ना। जब राग द्वेष हमारे अंदर चित्त के अंदर आती है।